आजकल सुबह 4 बजे ही मेरी छत पर आंख खुल जाती है। छत पर सो रहा हूं, आंख खुल जाती है, यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद सोना मुश्किल हो जाता है, सो ही नहीं सकता। इतने प्रकार के पक्षी छत पर आकर अपना मधुर संगीत सुनाने लगते हैं। उन पक्षियों का कलरव ही एक ऐसे अलार्म का काम करता है जो डिवाइन अलार्म है, और मैं उठ जाता हूं। लेकिन आज सुबह किसी और वजह से 4 बजे उठना हुआ। आज सुबह की आवाज कुछ अजीब सी थी, लगा जैसे कि कोई बातचीत हो रही हो। मैं उठा और उठकर देखा तो मेरी छत के ऊपर एक मीटिंग चल रही थी, सभा। बड़ी हैरानी होगी आपको सुनकर कि वो सभा कैसी थी। उसमें एक तरफ न्यायाधीश के रूप में गरुड़ बैठे थे। गरुड़ पर मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। आपने भगवान विष्णु का तो नाम सुना ही होगा, तो भगवान विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़, पक्षी राज कहा जाता है उन्हें, पक्षियों के राजा गरुड़, वो बैठे थे। गरुड़ के साथ बब्बर शेर था, वो जंगल जानवरों के प्रतिनिधि थे, और उसके साथ में व्हेल मछली थी। ये तीनों साथ साथ बैठे थे। व्हेल मछली सबसे ज्यादा समझदार मानी जाती है सागर में, डॉल्फिन भी है उसी उसकी। अब पक्षी राज गरुड़ के सामने बैठे थे मोर, मोर के साथ हिरण, और हिरण के साथ थी मछली, और सब अपने अपने जीव जगत की बात कहने आए हुए थे गरुड़ के सामने, सिंह के सामने। दरअसल तीन तरह के इस धरती के ऊपर प्राणी है ना, थलचर यानी जमीन के ऊपर चलने वाले, तो जमीन पर जितने भी चलने वाले प्राणी हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हिरण आया था, और उनके न्यायाधीश के रूप में शेर। अब आते हैं नभचर। नभचर माने, नभ माने आकाश, आकाश में विचरने वाले, तो जो आकाश की कैटेगरी के हैं उनका प्रतिनिधि था मोर, और उनके न्यायाधीश के रूप में आए थे गरुड़। मछली जलचर यानी सी स्पेस, सागर का जितना भी जगत है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मछली को भेजा गया, और जो बड़ी व्हेल मछली थी वो निर्णायक थी। तो अब उन सब की बातचीत शुरू होती है और मैं उसे सुन रहा हूं वहीं बैठा। मोर क्या कहता है? मोर कहता है कि कितना अच्छा हो अगर इस धरती के ऊपर मनुष्य ही ना हो, तो बिना इंसानों की ये धरती कितनी सुंदर लगती है। लेकिन तभी गरुड़ ने उसे टोका। उसने कहा, मोर ऐसा कहना उचित नहीं। जैसे हम प्राणी हैं इस मां प्रकृति के, हम जीव हैं, इसी तरह से वह मनुष्य भी जीव है, तो हमारी तरह उनको भी जीने का अधिकार है। तो मोर तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कितना अच्छा हो कि यदि धरती पर कोई मनुष्य ही ना हो। मोर थोड़ा सा भड़का ये बात सुनकर और बोला, यही बात आप इंसानों से भी तो कह सकते हैं। इंसानों ने हमें कौन सा जीने का अधिकार दिया? उसने कहा, एक मिनट आप रुकिए। मोर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप जरा हमारे पास आएंगे। मैं आया। मोर ने कहा, जरा हमारे विषय में कुछ कहिए, बस मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं मोर, इस मोर पर आप कुछ बोलिए। मैंने कहा, पहले तो नमस्कार किया मैंने सबको, पक्षीराज गरुड़ को, सिंह को, व्हेल मछली को, आदरपूर्वक सिर झुकाया उनके आगे, और कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब मैं छोटा था तो अपने माता पिता के साथ गांव जाया करता था। हरियाणा में गांव था हमारा, दिल्ली से करीबन 60 किलोमीटर दूरी पर। तो उस समय, ये बात 1975 के आसपास की होगी, तो गांव में हम छत पर सोया करते थे, जैसे आजकल छत पर मैं सो रहा हूं। मैंने जैसे कहा, जैसे आजकल मैं छत पर सो रहा हूं, इतने में ही हिरण ने मुझे टोका, एक मिनट, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आपने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया कि जैसे आजकल मैं छत पर सो रहा हूं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए किया क्योंकि आजकल छत पर मुझे वही हवा मिलती है जो मुझे हिमालय में मिलती थी।
बाद के समय में मैं हिमालय में साधना करके करने गया कॉलेज टाइम में, बहुत समय मैंने साधना की, तो हिमालय में जो हवा अनुभव होती थी, शुद्ध विशुद्ध हवा, ऐसी हवा जो भीतर तक प्राणों को ऊर्जा से भर दे, ऐसी हवा आजकल मैं महसूस कर रहा हूं दिल्ली में। तो इसलिए मैंने आजकल शब्द का इस्तेमाल किया। हिरण ने कहा देख लिया, यानी आजकल मनुष्यों की गतिविधि सारी रुक गई है, इसलिए पूरी प्रकृति कितनी सुंदरता में बढ़ रही है। आसमान बिल्कुल साफ है, चारों तरफ पक्षियों के स्वर गूंज रहे हैं, सिर्फ एक इंसानों के ना होने के कारण। हिरण ने मुझसे कहा अब आप अपनी बात आगे शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो मैं कह रहा था कि बचपन में जब मैं गांव जाता था, छत पर सोता था, और सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला भी कहते हैं, 4-4:30 बजे के आसपास जिस छत पर मैं सोता था अपने घर के, उसके आसपास की छतों की मुंडेरों पर करीबन नहीं तो 70-80 मोर आकर बैठते थे और मियो 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 पूरा गांव मोर की ध्वनियों से गूंजता था। और यही संध्या समय होता था, शाम जैसे सूर्यास्त होने वाला होता था। गांव के बाहर पंचायत की जमीन थी और पंचायत की उस जमीन पर आम का बाग था, बहुत बड़ा बाग, बहुत ही बड़ा बाग, और उस बाग में से मोरों की इतनी आवाजें गूंजती थी और आसपास के सभी गांवों से। तो संध्या समय मियो मियो मियो, मतलब एक ऐसा संगीत पूरे दूर दूर तक, सुदूर जगहों पर ऐसा लगता जैसे घाटियों से गूंजता आ रहा हो। और हम तो बचपन में मोरों के पंख इकट्ठे करते थे, जिसे हम कहते थे मोरों का चंदा, जगह जगह पर मोरों के पंख पड़े होते थे अपने आप गिरे हुए। तो ढेर बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा थी कौन कितने मोरों के पंख इकट्ठे करेगा। और मोर सहज भाव से, अगर मैं खाट पर सोया हूं तो छत पर ही आकर वो कुछ दाना चुग रहा है, मोर कुछ कर रहा है, या कभी कभी तो मेरे चारपाई के पायताने पर मोर आके बैठा होता था और मैं उठा और मैंने मोर को देखा, मोर उड़ता नहीं था, बैठा रहता था, इतने मोर। और उसके बाद मैं सन 2019 में बहुत लंबे समय के बाद गांव गया और उसके बाद छत पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, लेकिन चारों तरफ हॉर्न का शोर, आसपास के घरों से विभिन्न प्रकार के चलते हुए सीरियलों का शोर, हर एक ने टेलीविजन फुल वॉल्यूम पर चलाया हुआ है। मुझे लगा ही नहीं कि ये वही गांव है क्या, और वो पंचायत की जमीन, वो आम का बाग, वो तो सब गायब, पता ही नहीं लगा कि वो गया कहां। क्योंकि जो ये पेड़ 100-200 साल चलते हैं, सब साफ एकदम, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ये बस मुझे इतना कहना है, क्योंकि मोर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मोर ने मुझे कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ जाइए, अब मैं अपनी बात आगे शुरू करूंगा। तो मोर ने कहा कि देखा आपने, इंसानों ने गोरैया को खदेड़ दिया चारों तरफ से, मधुमक्खियां भाग गई पूरी प्रकृति के अंदर से। जहां जहां मनुष्य गया, उसने सबसे पहला काम किया, जितने जीव जगत के अन्य प्राणी थे सबको कहा तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मुझे ही है। और रहने का क्या, मनुष्य ने सिवाय धरती को दूषित करने की और क्या किया हो, ये बता दीजिए, मोर ने कहा। हिरण ने कहा मोर भाई आप अपनी बात कह चुके हो तो मैं शुरू करूं। मोर ने कहा मुझे इससे ज्यादा कहने को कुछ है ही नहीं मेरे पास, जितना कहना था मैंने सब कह दिया, अब आप कहिए। हिरण ने कहा कि हमारी तो प्रजाति ही नष्ट कर दी मनुष्य ने, हम तो खेतों में इतने कूदा करते थे, आज किसी आप 70-80 साल के व्यक्ति को बुला लीजिए, वो बताएगा कि हमारी कितनी संख्या होती थी, चारों तरफ हिरण ही हिरण कुलाची मारते घूमते थे, हम तो लगभग जड़ से खत्म कर दिए इस इंसान ने, हम दिखाई नहीं देते। बारी मछली की आई, मछली ने कहा इस समय सागर कितना शांत है मैं बता नहीं सकती, परम शांत, कोई हलचल नहीं किसी तरह की, सब शांत है। अभी वो इतना कह ही रही थी कि चिड़िया आ गई वहां पर, गोरैया। वो कहने लगे कि आजकल मैं और मेरे बच्चे तो आसमान में खूब उड़ते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम देखते थे आसमान में एक बहुत बड़े बड़े राक्षस शोर मचाते हुए उड़ते थे, पीछे वे बहुत सारा धुआं छोड़ते हुए जाते थे, और मैंने सुना इंसानों के मुंह से कि वो कहते थे उन राक्षसों के नाम हैं
एरोप्लेन, हवाई जहाज, हमारी तो छाती कांप उठती थी जब वो निकलते थे। लेकिन आजकल आजकल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम बड़े आनंदित हैं। हमने जो अपने पशु पक्षियों के शास्त्रों में सुना था, बहुत पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एक ऐसा समय भी था धरती पर कि जब कोई मनुष्य नहीं था, सिर्फ हम लोग थे, और तब प्रकृति चारों तरफ अपने सुंदरतम रूप में बहती थी, कोई भूखा नहीं मरता था, कोई भी नहीं। हम पशु, हम पक्षी, किसी को इंतजार नहीं होता था कि कोई गऊओं की रोटियां इकट्ठी कर करके हमें देगा, किसी चिड़िया को या कबूतर को इंसान दाना चुगाएगा, इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। और हमारे कई कबूतर भाइयों की तो जातियां ही आलसियों में बदल गई है, वो सुबह सोकर ही नहीं उठते कबूतर, वो कहते हैं क्या जरूरत है, आराम से उठेंगे। इंसानों ने चौराहों के ऊपर हमारे लिए खूब सारे मक्की के और बाजरे के दाने पहले ही डाले हुए हैं, आराम से खाकर आएंगे फिर सो जाएंगे। तो हमारे कबूतरों की एक बहुत बड़ी नस्ल आलसियों में बदल गई है, कोई मेहनत करके खाना ही नहीं चाहता, बस इंसान अपना प्राश्चित करने के लिए, प्राश्चित भी नहीं बल्कि लोभ लालच में, उनके पंडे पुजारी इत्यादि लोग उनको एक जादुई टोना देते हैं कि पक्षियों के लिए दाना चुगाओ, और वो अपने लोभ के लिए कि हमें और दौलत मिलेगी हमें दाना खिला रहे हैं, वरना कौन खिला रहा है हमें दाना। तो धरती मनुष्यों के बिना बहुत सुंदर थी, ये हम चाहते हैं, और इसी बात को कहने के लिए हम सब आए हैं। शेर ने गरुड़ की तरफ देखा, गरुड़ ने व्हेल मछली की तरफ देखा, सभी न्यायाधीशों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और उसके बाद गरुड़ ने शेर से कहा कि आप कुछ कहें, निर्णय आप सुनाएं, इस पंचायत का निर्णय आप करेंगे। आपस में सबकी बातचीत हुई, तीनों की, व्हेल मछली, गरुड़, सिंह। तो अब शेर को कहने के लिए कहा गया। शेर ने कहा, देखो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, दरअसल हम सब लोगों ने यहां पर यह सभा इसलिए बुलाई है कि पक्षीराज गरुड़ ये चाहते हैं कि सारा सागर का जगत यानी जलचर, जितने भी प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं, वो जमीन पर रहने वाले जीव हैं और आसमान में उड़ने वाले, यानी थलचर, नभचर और जलचर, सारी जितने भी जीव जगत है वो सब मनुष्यों के लिए इस समय प्रार्थना करे कि ये मनुष्य जाति अपने ऊपर आए इस गहरे संकट से निकले। हमने यहां पर ये जो एक सभा बुलाई है, जो ये मीटिंग बुलाई है, इसलिए नहीं बुलाई कि मनुष्य इस धरती पर ना रहें, बल्कि इसलिए कि हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें कि मनुष्य इस घटना से कुछ सीखे और ये जाने कि जी और जीने दो का संदेश सबके लिए जरूरी है, सभी के लिए, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए, वनस्पति जगत के लिए। तो मनुष्य बस इस बात को समझे कि जिए और जीने दे, और इस बात को वो समझे, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। आप इसकी सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करें। तो दो प्रार्थनाएं हम सबको मिलकर करनी है, पक्षीराज गरुड़ ने कहा, सारे पशु पक्षी मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। आप सब लौटिए अपने अपने संसार में, और सभी को ये कहिए कि सारा जीव जगत मनुष्य के लिए प्रार्थना पूर्ण हो और उसको सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करे, साथ ही साथ वो इस संकट का सामना करके इससे बाहर आए और सब मिलकर प्रेम पूर्वक रहें, यही हम सबकी प्रार्थना है।